So now we will be learning what are the various input devices like voice input, MICR, OCR. Okay. What is voice input? Before that, we'll just see. हम लोग जैसे Google में कुछ search करना है, तो we just start the speaker and we speak something. Okay, mic on करते हैं और हम कुछ बोलते हैं, right? So जैसे हम बोलते हैं, accordingly वो words type होते हैं, okay? And accordingly हमको Google Assistant workout करके देता है जो भी उसके related information है, okay? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बंदे के स्पीच को कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल फॉर्म में और वो डिजिटल फॉर्म में इस तरीके से क्रिएट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइक वर्ड्स. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम इन विच डिस्क्रीट वर्ड्स आर क्रिएटेड. ओके, सो एवरीवन हैव यूज्ड इट आई गेस. अपार्ट फ्रॉम गूगल असिस्टेंट काफी सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें एक माइक का सिंबल होता है. अगर वो कीबोर्ड के साथ वाला माइक का सिंबल अगर हम यूज करते हैं तो हम जब भी कुछ बोल रहे हैं अकॉर्डिंगली उस सिलेक्टेड लैंग्वेज में उसके वर्ड्स टाइप होते हैं, बराबर. एक और माइक का बटन होता है जिसमें अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारा वॉइस रिकॉर्ड होता है एंड इट इज ट्रांसफर्ड. ठीक है, तो ये जो जिसमें हमारा वॉइस रिकॉर्ड होके ट्रांसफर होता है दैट इज कंटिन्यूअस स्पीच टाइप ऑफ वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम. और जिसमें हमारा वॉइस कन्वर्टेड इनटू वर्ड्स होता है दैट इज डिस्क्रीट वर्ड वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम. ओके, एंड फ्रेंड्स, दिस इज रियली अ ब्लेसिंग फॉर द पीपल हु कैनॉट टाइप ड्यू टू सर्टन रीजंस. ओके, सो कंटिन्यूअस स्पीच एज वेल एज डिस्क्रीट वर्ड इज रियली अ ब्लेसिंग फॉर देम. सो कंटिन्यूअस स्पीच में क्या होगा? यू विल जस्ट स्पीच आउट. जैसे अभी कुछ कंप्यूटर्स में क्या होता है, जैसे जो स्पेशली एबल्ड पीपल होते हैं तो उनको या फिर सीनियर सिटीजन्स को स्पेसिफिक कमांड्स याद नहीं रहती, या लोकेट करना या पॉइंट एंड क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम. सो व्हाट इज देयर देयर अ टाइप ऑफ सर्टेन कमांड्स आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन द एप्लीकेशन. और जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग नॉर्मली एक्सेल का अगर फाइल ओपन है और यू से सेव द फाइल, सो द फाइल विल बी सेव्ड. सो डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीच द फाइल्स आर सेव्ड. ठीक है, जैसे सामने आपका फोल्डर दिख रहा है, ओपन द फाइल नेम्ड ए डॉट टी एक्स टी. सो इट इज फिजिबल फॉर मी टू ओपन स्पीक ओपन द फाइल named a.txt. okay, so मुझे वो a.txt ये फाइल लोकेट करके उसके ऊपर क्लिक करना या फिर राइट क्लिक करके ओपन करना, ये सारे टास्क सेव हो जाते हैं. ठीक है, सो दिस कंटिन्यूअस स्पीच इज लाइक यू स्पीक आउट द कमांड एंड द एक्शन इज अकरिंग. ओके, सो देर आर टू पॉपुलर सिस्टम्स लाइक एप्पल का कंप्यूटर प्लेन टॉक है एंड IBM's कंटिन्यूअस स्पीच सीरीज. नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्रीट वर्ड. द एग्जाम्पल आई हैव शेयर्ड विद यू अ कॉमन एक्टिविटी इन बिजनेस इन प्रिपेयरिंग मेन्यूज एंड अदर रिटन डॉक्यूमेंट्स. सो डिस्क्रीट वर्ड रिकॉग्निशन सिस्टम अलाउज यूजर टू डायरेक्टली डिक्टेट इन टू माइक्रो कंप्यूटर यूजिंग द माइक्रोफोन. अब इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं. ओके, सो IBM का वॉइस टाइप्स सिंपली स्पीकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ इट, और यू कैन से अ गूगल असिस्टेंट. और कंटिन्यूअस स्पीच का एग्जांपल हो सकता है एलेक्सा.
नेक्स्ट है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या है, आप लोगों को ने जो एटीएम, हम लोगों ने टच स्क्रीन देखा था एटीएम के पर्सपेक्टिव से, अभी हम उसमें जो कार्ड हम लोग इंसर्ट करते हैं उसके कंसर्न में बात करेंगे। तो हम जो कार्ड यूज करते हैं, तो कार्ड के बैक साइड में आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ ऐसी स्ट्रिप होती है जो हम स्वाइप करते हैं या सेंस की जाती है, और अकॉर्डिंगली हमारे कार्ड में जो भी मशीन का इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो सारा परफॉर्म होता है, और अकॉर्डिंगली जो भी हमने अमाउंट डिपॉजिट या विड्रॉ करना है वो सारा एक्शन परफॉर्म होके प्रॉपरली हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। तो वो जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है उसमें हमारे बैंक के सारे डिटेल्स, अकाउंट के सारे डिटेल्स उसमें मेंशन होते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज MICR देन? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या द मेथड या मैकेनिज्म को हम कहेंगे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। व्हाट इट डज, इट अलाउज द कंप्यूटर टू रिकॉग्नाइज कैरेक्टर्स प्रिंटेड यूजिंग मैग्नेटिक इंक। अब MICR इज डायरेक्ट एंट्री मेथड यूज्ड इन बैंक्स। अभी आप लोगों ने कुछ बैंक्स में ये देखा होगा कि चेक्स जो है वो लिखना, एक्सेस करना, इट इज रियली अ टेडियस जॉब। तो जो चेक्स के नीचे में कुछ सेट ऑफ लाइंस प्रिंटेड होती है, तो दैट इज द यू कैन से मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, तो इट बिकम्स इजी फॉर द मशीन टू रीड दोज पार्टिकल्स। ओके, व्हेन द कैरेक्टर्स एंटर द रीडिंग स्टेशन दे आर मैग्नेटाइज्ड बाय द राइट हेड, एंड एज द मैग्नेटाइज्ड कैरेक्टर पास द रीडिंग हेड दे इंड्यूस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन एट टू आइडेंटिफाई विच कैरेक्टर्स आर टाइप, ठीक है। बिकॉज ईच कैरेक्टर हैज रिजिडली डिफाइंड शेप, द सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड इन द रीड हेड आर यूनिक and can be easily coded in the form of suitable transmission to the computer. Ab MICR ki speed kya hai? 750 to 2500 documents per minute. So you can imagine so many characters, like 15,000 to 50,000 characters per minute ka passing speed hota hai. Okay? So you can see this example. यहाँ पे ये जो चेक है वो सेंस करने के लिए है, यहाँ पे आपका कार्ड सेंस करने के लिए। स्टूडेंट्स रिमेम्बर, अभी इंडिया में इतना चेक्स का जो वर्किंग है वो इतना वी कैन से ऑटोमाइज नहीं हुआ, अभी भी मैकेनिकल वे से कुछ कुछ बैंक्स में चेक्स वर्कआउट किए जाते हैं, बट इन अब्रॉड चेक्स डायरेक्टली इस पर्टिकुलर मशीन के थ्रू ही वर्कआउट किए जाते हैं, ठीक है। और जैसे ये MICR मशीन के साथ एक OCR भी वर्क करता है वहां पे, जिसमें वो पूरा डेटा ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है कंप्यूटर में जस्ट बाय स्कैनिंग द चेक, ओके। और बाजू में का जो एक छोटा कार्ड आपको दिख रहा है, दैट इज योर MICR कार्ड। ये इसके ये साइड में यहाँ पे क्या रहेगा, इंक के ट्रेसेस रहेंगे, जिसके थ्रू जैसे ही आप ये कार्ड यहाँ पे स्वाइप करते हो, ऑल योर ऑल द अकाउंट इंफॉर्मेशन इज सेंस्ड आउट एंड अकॉर्डिंगली ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर अटैच्ड, ओके। नेक्स्ट है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका शॉर्ट फॉर्म है या एब्रीवेशन है OCR। अब ये OCR मतलब क्या, इट इज रीडिंग द टेक्स्ट फ्रॉम पेपर एंड ट्रांसलेटिंग द इमेज इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर एडिटेबल फॉर्मेट। जैसे मैगजीन का कोई आर्टिकल है या फोन का कोई आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो उसमें से कोई मटेरियल अगर आपको डायरेक्टली एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो आपको OCR मशीन एज वेल एज OCR सॉफ्टवेयर लगता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये स्कैन करता है आपके बुक मैगजीन के
जो टाइप या प्रिंटेड लेटर्स है उनको, और उसको अकॉर्डिंगली मैच करते हुए कन्वर्ट करता है एडिटेबल वर्ड्स में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका बुक पे लिखा होगा प्रॉपर वे में, दिस इज माई हैंड रिटन वर्ड्स. ओके, सपोज दिस इज द वर्ड. ओके, सो इट विल सेंस दिस इज ए एंड अकॉर्डिंगली इट विल कन्वर्ट इट इनटू ए. देर आर सर्टन एल्गोरिदम्स फॉर विच दिस ओसीआर, यूजिंग विच द ओसीआर वर्क्स विथ इट्स प्रॉपर एक्यूरेसी. ओके, और फिर आपको कंप्यूटर में इस तरीके का एप्पल ये वर्ड दिखाई देता है जिसको आप एडिट कर सकते हो, और ये एप्पल के जगह आपको सपोज अपोलो लिखना है तो यू कैन मॉडिफाई इट. ओके, जो मॉडिफिकेशंस आप एक बुक पे नहीं कर सकते वो फिर आपके लिए फिजिबल होता है, यू कैन मॉडिफाई इट इन द एडिटेबल फॉर्म. अब ये जो इनपुट आने वाले कैरेक्टर्स हैं ये आपको दो टाइप से आते हैं. एक तो टाइप फॉर्म में आते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दिस इज द टाइप फॉर्म, और जो रेड कलर में लिखा हुआ दिख रहा है दैट इज द हैंड रिटन फॉर्म. ओके, अगर मेरी हैंड राइटिंग एग्जैक्टली टाइप रिटन फॉर्म के जैसी है या बहुत क्लीन है, अच्छी है, नीट एंड टाइडी है, तो जो कन्वर्शन एक्यूरेसी है ओसीआर का वो भी हाई रहेगा. सपोज कैप्चा के जैसा मैंने बहुत आड़ा टेढ़ा ऐसा लिखा APPLE, इसको अंडरस्टैंड करना, ह्यूमन ब्रेन कैन वर्क इन 10^-11 डायमेंशंस, सो इट वर्क्स वेरी फाइनली कि ये एप्पल है ये पढ़ सकता है, बट कंप्यूटर से अगर इस तरीके से पढ़वाना है तो इट शुड बी लाइक इट शुड बी डेल्ट विथ, है ना, कंप्यूटर को डायरेक्टली नहीं समझ में आता. तो जो टाइप या हैंड रिटन कैरेक्टर्स हैं दे शुड बी द वे इट शुड बी अंडरस्टैंड, मतलब वो प्रॉपर वे में लिखे हो तो एक्यूरेसी आपको अच्छी मिलती है. ठीक है, सो इन केस ऑफ हैंड रिटन कैरेक्टर्स स्पेशल केस केयर हैज टू बी टेकन टू एंश्योर दैट द कैरेक्टर्स आर ऑफ स्टैंडर्ड साइज, लाइंस मेकिंग ऑन द कैरेक्टर्स आर कनेक्टेड एंड ऑन स्टाइलिश लूप्स आर यूज्ड, नो स्टाइलिश लूप शुड बी यूज्ड. ऑन द अदर हैंड इफ द कैरेक्टर्स आर टाइप रिटन दे मस्ट बी टाइप यूजिंग द स्पेशल टाइप फॉन्ट, दे आर कॉल्ड एज ओसीआर फॉन्ट. ओके, देखो इस तरीके का डिवाइस होता है. ओके, ये देखिए आपका बैंक का जो चेक है ना वो भी पढ़ा जाता है, सो इट बिकम्स इजी. और बैंक के चेक में कैसा रहता है कि स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको डेट आएगी, स्पेसिफिक लोकेशन पे आपका सिग्नेचर आएगा, स्पेसिफिक लोकेशन पे आपका नाम आएगा, तो अकॉर्डिंगली इट कैन बी डिजाइन. Now we will see what are the various input devices like OMR, barcode reader, and scanner. Okay. OMR is optical mark reader, or the technology we will see tell it as optical mark recognition. अब इसमें ना specific mark का sensing होगा. फर्स्ट विल सी द एग्जाम्पल. ये देखिए इस तरीके की शीट आप लोगों ने देखी हुई होगी, जितने भी आप एंट्रेंस एग्जाम्स पे काम करते हो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि देखिए एक स्पेसिफिक स्लॉट में आपका नाम होता है, उसी बबल्स फॉर्म में आपका रोल नंबर लिखा हुआ होता है, और इस तरीके से आप आंसर्स को आइदर एक स्पेसिफिक कलर के पेन या पेंसिल से बबल डाउट करते हो. बराबर, तो ये जो मशीन है ये डेजिग्नेट किया जाता है कि इसमें एक एक शीट डाला जाएगा और अकॉर्डिंगली इट विल सेंस, उसके अंदर आंसर पहले से फीड किया हुआ होगा, तो जैसे जैसे वो बबलिंग को कैप्चर करेगा
अकॉर्डिंगली वो सेंस आउट करेगा कि वेदर इट इज अ राइट आंसर, बिकॉज उसके पास पहले से आंसर्स कंपल्सरीली फिल्ड है, तो उसके फिल्ड आंसर्स के साथ वो कंपेयर करेगा आपके शीट पे के आंसर्स, और अकॉर्डिंगली आपका फ्लैग 1 या 0 को सेट होगा, मैच हो रहा है तो 1, नहीं हो रहा है तो 0, एंड अकॉर्डिंगली काउंट ऑफ फ्लैग्स और उसके अकॉर्डिंगली जो भी मार्क्स का सेटिंग है वो वर्कआउट करके आपका रिजल्ट क्रिएट होता है। ठीक है, सो ये डिवाइस कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। दीज स्कैनर्स आर कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल। ओके, आपको पहले से इंस्ट्रक्शंस रहती है कि आपको कौन से कलर का पेन, कौन से कलर की पेंसिल, किस टाइप से उसको एनसर्कल करना है, कैसे उसको, जैसे बहुत ज्यादा डार्क किया और वो बबल के बाहर चला गया तो वो भी कंसिडर नहीं होगा, अगर बबल इनकम्प्लीट है तो भी कंसिडर नहीं होगा, ऐसा आपको पहले से इंस्ट्रक्शंस होती है, तो इट शुड बी प्रॉपरली डार्कन। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मेनी स्टूडेंट्स माइट हैव अपियर्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वेयर दे हैव टू मार्क देयर आंसर्स इन द क्वेश्चंस ऑन अ स्पेशल टेस्ट स्कोरिंग शीट्स, और ये स्पेशल टेस्ट स्कोरिंग शीट्स में क्या आता है, ओके, लाइक डार्कन द दिस थिंग, डार्कन द सर्कल और डार्कन द स्क्वायर बाय अ स्पेसिफिक पेंसिल। ओके, और अगर इंडिकेट देयर करेक्ट चॉइस आउट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स, सो दिस आंसर शीट इज डायरेक्टली फेड टू द कंप्यूटर फॉर ग्रेडिंग विद द यूज ऑफ ऑप्टिकल मार्क रीडर। आई होप एवरीवन हैज गॉट द वर्किंग ऑफ इट। द यूज ऑफ ओएमआर इज नॉट लिमिटेड टू द ग्रेडिंग ऑब्जेक्टिव टाइप्स, बट जहां पे भी आपको इनपुट डेटा ऐसा है कि जहां चूज करना है या सिलेक्शन टाइप का है तो वहां पे ओएमआर यूज किया जाता है। जैसे सर्वे बेस्ड है तो सर्वेज में भी क्या होता है कि आपके स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर्स रहते हैं तो उन आंसर्स को वर्कआउट करके उसको ग्रुप करने का काम जो है वो ओएमआर रीडर की मदद से कंप्यूटर को आसानी से मिलता है। ठीक है, सो द डॉक्यूमेंट रीड देन ट्रांसलेट्स द मार्क्स इनटू इलेक्ट्रिकल पल्सेस व्हिच आर ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर, एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल पल्स अकॉर्डिंगली द रिजल्ट इज जनरेटेड। फिर वो सर्वेज का हो सकता है, वो आपके टेस्ट का हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो वी हैव सीन ओएमआर। नाउ नेक्स्ट इज बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आर फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स दैट कैन रीड द बारकोड और वर्टिकल जीब्रा स्ट्रिप मार्क्स प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट कंटेनर्स। अभी जब भी हम लोग देखिए इस तरीके का मार्क आपको हमेशा दिखाई देगा, जब भी आप किसी मॉल में जाते हो या किसी सुपरमार्केट में जाते हो तो हर प्रोडक्ट के बैक साइड में एक छोटा सा स्टिकर या लेबल लगा हुआ होता है जिसपे कुछ नीचे नंबर्स लिखे हुए होते हैं, सी द नंबर्स ओवर हियर, ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं और ये कुछ लाइंस होती है जो डिफरेंट थिकनेस की होती है, और ये जो रीडर होता है इसमें वो सेंसिंग मैकेनिज्म दिया जाता है कि डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन अकॉर्डिंगली द नंबर इज सेंस्ड एंड क्रिएटेड एंड स्टोर्ड। ओके, तो इसका स्पेसिफिक एक ही काम है, बारकोड रीडर, ओएमआर, एमआईसीआर, ओसीआर, इनके स्पेसिफिक डेडिकेटेड काम है। ठीक है, सो विल सी दिस मेथड इज यूज्ड, इट यूजेस अ नंबर ऑफ बार्स लाइंस ऑफ वेरिंग थिकनेसेस एंड स्पेसिंग बिटवीन देम टू इंडिकेट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। बार कोड्स आर यूज पर्टिकुलरली बाय द रिटेल ट्रेड फॉर लेबलिंग शेल्व्स इन द स्टॉक, और यू कैन से नंबरिंग बुक्स, है ना, बुक्स के बैक साइड में भी आप देखोगे तो इस तरीके का बार कोड होता है। ठीक है, सो वी हैव सीन बार कोड रीडर। नाउ वी विल सी वॉट इज स्कैनर। सो स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस दैट कैन स्कैन रीड टेक्स्ट और इलस्ट्रेशंस एंड कन्वर्ट इट इनटू
अनादर फॉर्म, जैसे हम लोगों को अगर वो बिटमैप इमेज में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, सो अकॉर्डिंगली इट हेल्प्स इट. ठीक है, सो अ स्कैनर वर्क्स बाय डिजिटाइजिंग एन इमेज एंड डिवाइडिंग इट इनटू अ ग्रिड ऑफ बॉक्सेस एंड रिप्रेजेंटिंग ईच बॉक्सेस विथ ईदर अ जीरो और वन डिपेंडिंग अपॉन वेदर द बॉक्स इज फिल्ड और नॉट. And the resultant matrix of bits is called as either bitmap image that can be stored in for life. Okay. And simultaneously it can be displayed on the screen and or manipulated by the programs. Abhi scanner ka use kahan kahan hai? Almost har jagah hai. Jaise banks mein hai, aapke documents preserve karke rakhna hai, to they use scanner. They store it in the digital form. Abhi bahut sare jo purane हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है जो ड्यू टू एजेस वो शायद पेजेस डिके हो रहे हो या डिकम्पोज हो रहे हो, तो उसको डिजिटाइज करके प्रिजर्व करने का काम भी करते हैं. सो डिजिटल दिस स्कैनर हेल्प्स इन दैट. सो द ऑप्टिकल स्कैनर्स डू नॉट डिस्टिंग्विश द टेक्स्ट फ्रॉम द इलस्ट्रेशंस, दे जस्ट रिप्रेजेंट ऑल दैट इन अ इमेज. ठीक है, सो वी कैनॉट डायरेक्टली कन्वर्ट द स्कैंड इमेज इंटू एडिटेबल टेक्स्ट. अब अगर ऐसा आपको करना होगा कि स्कैन करके आपको उसको एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, तो उस समय हमको क्या लगेगा, एक OCR का सिस्टम हमारे पास में जुड़ा हुआ लगेगा हमारे स्कैनर के साथ, जो हमको उस इमेज को कन्वर्ट करके देगा एडिटेबल टेक्स्ट में. ठीक है, अभी हमारे फोन के अंदर भी स्कैनर आता है, दैट फोन का जो कैमरा है वो भी हम एज अ स्कैनर यूज कर सकते हैं. बट टेक्निकली स्पीकिंग हमारा स्कैनर कैसा है, इट इज कॉल्ड एज अ फ्लैट बेड स्कैनर, जिसमें हम कंप्यूटर्स के साथ उसको जोड़ते हैं और अकॉर्डिंगली वर्क करवाते हैं. सो स्कैनर के फीचर्स क्या है, उसकी स्कैनिंग टेक्नोलॉजी. तो स्कैनिंग टेक्नोलॉजी में क्या यूज होता है, सीसीडी. सीसीडी इज चार्ज कपल्ड डिवाइस अरे, जिसमें टाइटली पैक्ड रो ऑफ लाइट रिसेप्टर्स है जो डिटेक्ट करते हैं उस इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को जिसमें वो ट्रेवल होता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली द इमेज इज कन्वर्टेड. ठीक है, द क्वालिटी ऑफ सीसीडी अरे इज प्रोबेबली द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द स्कैनर. नेक्स्ट होता है रिजोल्यूशन. आपके स्कैनर का जितना अच्छा रिजोल्यूशन रहेगा, उतना अच्छा आपका इमेज स्कैन होगा और उतने डिटेल्स उस इमेज में प्रिजर्व होगा. ठीक है, सो द डेंसर द बिटमैप द हायर द रिजोल्यूशन इज देयर. तो जनरली स्कैनर का जो रिजोल्यूशन है वो 72 से 600 डॉट्स पर इंच होता है. डॉट्स पर इंच का मीनिंग ये है कि अगर आप आपके इमेज का एक टुकड़ा निकालो 1 इंच बाय 1 इंच, तो ये 1 इंच बाय 1 इंच के इसमें कितने नंबर ऑफ डॉट्स आपने कवर किए. लाइक 72 डॉट्स है तो उसकी क्वालिटी अलग रहेगी, और अगर 600 डॉट्स है तो देखिए एकदम पास पास में रहेगा, तो इमेज विल बी मोर हाई डेफिनेशन. ठीक है, जैसे हम लोग स्क्रीन के रिजोल्यूशन के कंसर्न में बात करते हैं, सेम इज द रिजोल्यूशन ओवर हियर फॉर स्कैनर. नेक्स्ट इज बिट डेप्थ. अब द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच पिक्सेल इज डिफरेंट. ओके, सो द ग्रेटर द बिट डेप्थ, मोर आप कलर्स या ग्रे स्केल उसके कंसिडर कर रहे हो. सपोज अगर आपने 24-bit डेप्थ ली, तो आप कितने सारे कलर्स वर्कआउट कर सकते हो, देखिए कितना डिटेलिंग तक आप जा सकते हो, वो आप यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड शेप ऑल्सो यू कैन वर्क ऑन स्कैनर. सम स्कैनर्स आर स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइसेस दैट कैन मूव अक्रॉस द पेपर लाइक योर फोन, एंड द हैंड हेल्ड स्कैनर्स आर ऑफन हाफ पेज स्कैनर्स बिकॉज दे कैन ओनली स्कैन 2 to 5 inches at a time. ठीक है, कुछ स्कैनर्स जो है लार्ज स्कैनर्स जैसे मशीन में डायरेक्टली पेपर फीड किया जाता है, सो दे आर कॉल्ड एज शीट फेड स्कैनर्स. ठीक है, तो अब ये जो शीट फेड स्कैनर्स है ना, दे आर एक्सलेंट फॉर लूज शीट ऑफ पेपर, बट अगर बाउंडेड शीट है तो आपको
लार्ज स्कैनर्स यूज नहीं करते आते, तो फिर देन सेकेंड टाइप ऑफ लार्ज स्कैनर इज फ्लैट बेड स्कैनर, जो वर्क करता है लाइक योर फोटो कॉपी मशीन, जिसको हम जेरोक्स मशीन बोलते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं, एक एक पेज सेपरेट न करते हुए एंटायर बुक है तो उसको एज इट इज ले ओवर करते हैं और अकॉर्डिंगली उसका स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से। तो ये वाले जो है, ये जो है ब्रदर का जो है वो सिंगल पेज वाला स्कैनिंग का है, और यहाँ पे ये लार्ज वाला है, यहाँ पे हम लोग फ्लैट बेड इस तरीके से यूज करते हैं। ओके, नाउ अभी कैसे होता है देखिए, आपका पेपर जो है वो यहाँ पे है, एक ट्रैजेक्टरी है जिससे ये लैम्प एक जगह से दूसरे जगह घूमता है, और दो साइडेड में मिरर से, ये मिरर से वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे लेंस पे आएगा, लेंस से सीसीडी के मदद से एडीसी कन्वर्टर के मदद से वो कंप्यूटर को जाएगा। ठीक है, सो सी द लाइट पाथ, लैम्प से वो इमेज को गया, जहां जहां इंक ट्रेसेस होंगे वो अकॉर्डिंगली मिरर की वजह से रिफ्लेक्ट होके आपको लेंस पे कैप्चर होके मिलेगा, और अकॉर्डिंगली सीसीडी की मदद से एडीसी, दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की मदद से आप यहाँ पे टू कंप्यूटर पास कर सकते हो। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली द इमेज इज स्टोर। ओके,